दिक्कत चल रही है अभी, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मेरे पास होगा, मैं अपने आप दे दूंगा, तुम अगले बार मेरे को फोन करना ही मत। ठीक है, चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, चलो यहाँ से। समझ में नहीं आता ना, और ले ऑफिस से आके पैसे ले जाना, ये मैनेजर दे देगा। ठीक है, और बार बार ऐसे परेशान मत करो। ठीक है, और जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम। समझ में नहीं आता तेरे को? अरे समझा रहा हूँ, क्यों पकड़ा भाई, समझ में। चलो बात करा, तुमको क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों ये हमारे फ्रेंड है, धर्मेंद्र जी नाम है इनका, तो इन्हीं के गाँव हम आए हुए हैं, ये इनके फ्रेंड है, तो इन्हीं का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है हमको तो बता दिए हैं, लेकिन कैमरा की तरफ आप देख कर बताइए क्या आपके साथ अभी आज के में हो रहा है, कहिए आप बताइएगा, तभी हम कुछ आपका सपोर्ट करवाएंगे ना धर्मेंद्र भैया। तो आप बताओ भैया, इस हम चिमनी पर काम करते हैं। अच्छा, इसी चिमनी? हाँ, इसी चिमनी पर। भैया दिखाना चिमनी को एक बार, जूम आउट करके दिखा देना, इसी चिमनी पर काम करते हैं भैया। ठीक है। हाँ, मेरे घर पर शादी है मेरे सिस्टर का। अच्छा, घर में आप ही? कोई और है? नहीं नहीं, मैं अपने ही दम पर। अच्छा, तुम ही एक और घर में कोई काम? पापा जी तो काम नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं अपने ऊपर ही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो चिमनी मालिक से बात हुआ था। ठीक है। हाँ हाँ, तो बोला कि हाँ पैसा मिलेगा। हाँ, लेकिन बार बार हम जा रहे हैं, मैंने पैसा नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको पैसा दे नहीं रहे, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, जैसे चक्कर घुमा रहे हैं। तो आज बहुत दिन से हुआ, 10 दिन हो गया समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, शादी कितने तारीख को है? शादी 15 तारीख को है। अच्छा, मतलब टाइम भी नहीं आता, 7 तारीख को। 5 दिन टाइम, 5-7 दिन टाइम है। अभी सामान वामान सब अरेंज कर? कुछ सामान नहीं है, अब क्या करें। बस अब सोचे हैं कि धर्मेंद्र से बताए ये बात को। हाँ हाँ, तो बोला ठीक है, हम कुछ बात। धर्मेंद्र भाई कॉल किया था हमारे पास जी, चिमनी जो चिमनी मालिक उसका नंबर है? हाँ, नंबर है। तो बात एक बुलाओ ना उसको, ठीक है, बुलाओगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। उसको बुलाओ, बुलाओ एक बार, कॉल करो। हेलो। हाँ जी जी, आइए थोड़ा सा चिमनी पे आप। हाँ जी, चिमनी के पास है? हम चिमनी के पास है। ठीक है। हाँ जी बताइए। जी हम काम करते थे आपके चिमनी पर, आप आइए ना थोड़ा चिमनी पर बात करना है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कहीं बाहर हूँ, थोड़ी देर बात कर सकता। ठीक है। नहीं नहीं प्लीज़ थोड़ा आइए ना, बहुत अर्जेंट काम है, कुछ मजबूरी समझिए। अभी नहीं आ सकता, अभी मैं कहीं बैठा हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। कितना मिनट लगेगा, कितना देर? 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, हम वेट करते हैं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। ठीक ठीक, आप उनसे बात करो जी। ठीक है, और कुछ ऐसा होगा तो हम लोग छुप के देख रहे हैं जी, जी। हाँ, हम लोग बगल में ही, डरना नहीं है बिल्कुल, अपना पैसा लेना है, उनसे रिक्वेस्ट करो भैया पैसा दो, जब नहीं कुछ मानेंगे तब तो हम लोग वहीं हैं। धर्मेंद्र भी हम लोग वेट करते हैं ना। जी भैया बोल रहे थे पैसा चाहिए, मैं आपसे बताया था कि हाँ मेरे घर पर शास्त्रीय सिस्टर का। मैं तुम्हें बताया था ना अभी, पैसे मेरे पास नहीं है, जैसे आएगा मैं दे दूंगा। भैया तो कैसे होगा, मैं लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं जिनके पास अभी पैसे बहुत बाकी है, उनको देना है, कोयले का भी देना है, ईंट का भी देना है, अभी देखो बिक नहीं रहा है सारे सामान, ऐसे लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, जैसे आएगा दे देंगे। तो मेरे घर पर सिस्टर का शादी है भैया, मैं आपसे आपसे बोला था, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मिल जाएगा। नहीं आपसे मैं बोला था कि हाँ सुनो, अभी पैसे नहीं है, इनसे पूछ लो, ये मेरे साथ है, मैनेजर हैं, इनसे पूछो, मेरे पास अभी पैसे बिल्कुल नहीं है, जैसे ईंट बिकेगा मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले जिनको पैसे मुझे देने हैं, और जैसे लॉकडाउन में अभी ईंट वगैरह बिक नहीं रहा है क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है, तो कोई भी मतलब खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, बाकी कोयले वगैरह भी लाना है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, और लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पैसे आएगा मैं दे दूँगा तुम्हें। ठीक है। नहीं नहीं, 15 तारीख को शादी है, बताइए आज 7 तारीख हो गया, मैं कैसे करूँगा 5 दिन में, कुछ भी अर्जेंट नहीं हुआ, ना टेंट का पैसा दिया गया है, ना कुछ कपड़ा लिया गया है, नहीं कुछ भी बिकेगा मैं तुम्हें दे दूँगा, अभी कुछ भी नहीं है।
कुछ और बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं और भी काम है, और भी जगह जाना होता है और मीटिंग में बैठा रहता हूँ। तुम बार बार ऐसे परेशान मत करो, बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी फोन नहीं करता, तुम ही एक हो कि हमेशा तुम्हें ये दिक्कत है वो दिक्कत है और तुम फोन करते हो। शादी है तो ये चीज़ तुम्हें पहले ही देखना चाहिए था, ये मुझे मत बताओ कि शादी है ये है वो है, ये चीज़ तुम्हें वो करना है, मुझे नहीं करना। मुझे तुम्हें सैलरी देना है और सैलरी टाइम पर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बार बार फोन करके ये मत बोलो कि भैया सैलरी दे दो, मुझे ये जरूरत है, ये है वो है, कल को कुछ हुआ कल को ये हुआ, तो ये चीज़ मुझे सुनने के नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगली बार से ध्यान रखना और तुम्हारा पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नहीं नहीं भैया कुछ है? भी भाई, हम आपसे बोला था यहाँ चिमनी पर हम शुरू से काम किए हैं, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तुम बहुत पुराने हो हमारे यहाँ का और काम करते हो, मैं मानता हूँ, बट तुम्हें भी पता होना चाहिए कि लॉकडाउन में अभी पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं हैं तो फिर मैं कहाँ से दूँ। भैया कुछ भी व्यस्त है, मैं अपने सिस्टर के साथ कैसे कर सकूँगा। ठीक है, हो जाएगा, जैसे पैसे आएगा मैं दे दूंगा। अभी बहुत सारे वो है, कोयले वगैरह भी लाना है, मतलब बहुत दिक्कत चल रही है अभी, मैं क्या बताऊँ, बारिश भी आ गया था बीच में, तो दिक्कत ही बहुत चल रही है। जैसे होगा वैसे देख लो, बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं तुम्हारे सामने खड़े हैं, देखो सब कर ही रहे हैं, पैसे नहीं है, दाल रोटी खा रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी लॉकडाउन में मरना तो है ही नहीं, खाना है, जैसे भी दाल रोटी मिल जाए पैसे तो बाद में देखी जाएगी, जितने भी हैं सब काम कर रहे हैं। तो वैसे सिस्टर का कैसे शादी करूँगा, आपसे बोला था कि बहुत पहले से, आज दो मंथ से बोल रहा हूँ कि हाँ पैसा नहीं हुआ तो मैं कैसे दूँ, कहाँ से दूँ बताओ। आपके ही देख लो, जो आपके ही भरोसा था कि हाँ अपने सिस्टर का शादी करूँगा। मानता हूँ अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बहस मत करो, जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दिमाग फालतू में खराब कर रहे हो मेरा, ठीक है। प्लीज भैया प्लीज, नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपके ही भरोसे हैं हम लोग। नहीं नहीं अभी एक रुपया नहीं देना मेरे को, और पैसे है ही नहीं मेरे पास, जब होगा मैं फोन कर लूंगा अपने आप, ये मैंने मैनेजर है ये फोन कर लेगा तुम्हें, ठीक है। और मेरे को बार बार फोन मत करना, और मेरे को फोन करना भी मत, ठीक है, मेरे पास होगा मैं अपने आप दे दूंगा, तुम अगले बार मेरे को फोन करना ही मत, ठीक है। चलो अब भैया प्लीज घर पे शादी है तब बात क्या बना रहे, बोल रहे हो कि चिमनी में और कोई काम करता है, ईंट लाना होता है, ये लाना होता है, वो लाना होता है, ये सब बात बनाने से थोड़े होते। आप बात सुन लो भैया मेरा, आपको जब पता है कि इसके घर पे शादी है, घर में इकलौता ही कमाने वाला है, इसका सिस्टर का ही 15 तारीख को शादी है, तो कौन देगा पैसा। देखो मैं इसको पहले भी बताया था कि अभी काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है और काम नहीं चल रहा है, जैसे मेरे पास पैसे आएगा मैं दे दूंगा, अभी मैंने बार बार ये बताया था, और मैं मीटिंग में बैठा था किस क्लाइंट के साथ बैठा था, ये बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान कर रहा है कि भैया आ जाओ सर आ जाओ पैसे दे दो, मेरे को ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है, ये सब सुनाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जब पैसे होगा मैं दे दूंगा, बहुत सारे काम होते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे जैसे आएगा। अब तुम कौन हो, उससे तुमको क्या लेना देना है। नहीं तो तुम इसके फ्रेंड है भाई, फ्रेंड इसको जान रहे हो, यहीं का है भी। नहीं मैंने नहीं जान रहे हो, ये जान रहा है ना, हम इनके फ्रेंड है, ये हमको बुलाया है। तो किस लिए आए हो बताओ भाई, किस लिए भी आए, तुम किसी को सता कर रहे हो। सता नहीं रहे, देखो ये कोई दूसरा जॉब भी नहीं करता है, ये तुम्हारे पास ही काम करता है, ऐसे काहे करते हो यार। हम सता नहीं रहे, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसको पैसे देंगे, अभी पैसे है ही नहीं, जैसे पैसे आएगा मैं इसको। अच्छा पैसा कार में घूमने के लिए पैसा है, इसका पैसा देने, इसके घर पे शादी है तभी तुमको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। अभी नहीं है पैसा, पैसा आयासी करने के लिए पैसा है, चिमनी में चिमनी नहीं चल रहा है, माल अभी ना बंद है, माल तो बिक ही रहा है चिमनी का, बिक रहा है कि नहीं। नहीं नहीं माल नहीं बिक रहा है अभी, क्या झूठ, अभी देखे दो चार ट्रैक्टर निकला है यहाँ पे, ईंट ले जाओ उठा के। अच्छा ईंट से शादी होगा, कैसा सोच है, हंस रहा है यार, समझ में तेरे को कॉमन से नहीं है, ईंट से शादी होगा कि पैसा, कोई चीज़ सामान अरेंज नहीं किया है, ना जनरेटर वाले को पैसा दिया है, ना ज्वेलरी वाले को पैसा दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है यार, कैसा कैसा इंसान हो तू। तो मैं इसको बोला था पहले ही कि मेरे पर भरोसा मत करना, मेरे पास पैसे है भी नहीं, तो मैं अभी जो ये बोला था गाइस, नहीं नहीं बोला था कि व्यवस्था हम करेंगे पैसे के लिए, इसीलिए हम अभी आपके ही भरोसा था, ये बोला था कि पैसे की व्यवस्था हो जाएगा, नहीं भी हो पाएगा, बताओ दोनों बात जब होंगे तो क्या काम चलेगा। गलत बात है, गलत है ना, जरूरत पड़ा है तो उसे पैसा अरेंज करके देना चाहिए इसको, वर्कर ठीक है, अभी कुछ टाइम है, देखेंगे कोशिश करेंगे, और कुछ टाइम कहाँ है, 15 तारीख 7 तारीख हो गया, अभी 7 दिन है, 7 दिन में देखते हैं कुछ ईंट वगैरह बिक जाए, अभी देखते हैं यार, ऐसे मत कुछ, अब देखोगे तब शादी, अब 7 दिन बचा है, 1-2 दिन इसके पास मान लो टाइम है, सामान अरेंज करेगा, उसके बाद सामान लड़के वाले के पास भेजेगा, ठीक है देखते हैं, अभी 7 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। भैया आप बताओ, इनके मैनेजर हो ना, तो सामान वाने बिक रहा है आज के डेट में,
सामान वन है नहीं, काम धंधा है नहीं, काम क्या पूरा ईंट तो पड़ा हुआ है बोल रहे हो? कस नहीं सो रहे हो, सारे माल वैसे ही पड़ा हुआ, वैसे पड़ा हुआ। तो अभी दो चार ट्रैक्टर जो गया वो कहाँ कहाँ गया? काम कर रहा है उसका भी कोई भी जो गया है वो उधारी है, उसका पैसा भी आया नहीं है। जैसे आएगा कोयला भी लाना है, और भी लोग हैं जिनके घर में शादी है, किसी को बहुत कुछ दिक्कत है तो उनको देना है, तो वैसे दे देंगे आपका भी। अब बात जो है ना बना रहे हो भैया, ऐसे होता नहीं है, हम दे देंगे सब। कार में घूमने के लिए आपके पास पैसा है? कार में नॉर्मली लगता है, क्या लगता है इनका सैलरी देना है, कार में कितने पैसे लगते हैं? कभी कभी घूमते हैं, रोजाना तो घूमते नहीं। दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, इनका जो भी पैसा है हिसाब करके दे देंगे। तुम बता देना कि कितना तुम्हें पैसा बनता है, हिसाब करके जो हमारा मैनेजर है अब तुम्हें दे दे। कब तक दीजिएगा बताइएगा तब तो? देखते हैं, दो चार दिन के टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दो चार दिन लगेगा तो हम कैसे एजेंट करेंगे अपने? दे देंगे, और तुम लोग को समझ में नहीं आता है, बकवास कर रहे हो उसी टाइम। क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बताओ? जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे होगा मैं दे दूंगा, बोल रहा हूँ बार बार। शादी है भाई 15 तारीख को, ऐसे कैसे बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? बोला दो चार दिन में दे देंगे सब काम करने के लिए, तुम्हारे पास पैसा है? ना ना, अभी मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, दो चार दिन में दे देंगे। और इसके घर पे शादी, किसी को तेरे को समझ में नहीं आ रहा? घर पे शादी है यार, तुम्हारा दोस्त है, ये है वो है, तो ऐसे मत लेके आयो किसी को। तुम अकेले आना और ले ऑफिस से आके पैसे ले जाना, ये मैनेजर दे देगा, ठीक है? और बार बार ऐसे परेशान मत करो, ठीक है? और जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता तेरे को? अरे समझा रहा हूँ, क्यों पकड़ा भाई? समझ में नहीं आ रहा तेरे को? समझा रहा हूँ, दे देंगे दो पैसा लिए, पैसा दो नहीं है, कहाँ है पैसा? जैसे होगा दे देंगे सैलरी। इसका मान लो तुमसे पहले भी बोला था भैया मेरे को कुछ पैसा एडवांस भी चाहिए, प्लस अभी मान लो इसका सैलरी नहीं लगा, ये भी बोल रहा है सैलरी। बात सुनो पहले, मेरा बात तो बनाते हो बड़े बड़ा तुम, ये बोला था पहले तुमसे ना? बोला था, बट ईंट बिका नहीं तो हम पैसे कहाँ से देंगे? इसको भी पता है ये यहाँ पर काम करता है, रोजाना आता है, इसको भी पता होना चाहिए कि ईंट नहीं बिक रहा है तो पैसे आएगा कहाँ से? ये बताएगा ना बिक रहा है तुम पढ़ रहे हैं आपका, ईंट बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है, ईंट बिक रहा है, ऐसे दो तेरा तीन तेरा हमेशा बिक रहा है, ऐसा है। उधार भी जाता है, कुछ रोड के लिए भी जाता है, तो रोड का पैसा। चलो बात होगा ना, जो कर्मचारी उससे बात करा वो तो बताएगा ना सही है गलत। चलो बात करा, तुमको क्या बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? बे तभी तो तू बोल रहा है नहीं बिक रहा है, तो बात करेगा तब तो पता चलेगा ना? बात कर रहा हूँ तो चलो बात कराओ। नहीं करेगा तो तू झूठ बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? सबको पैसे देने, वो भी चिक चिक। क्या भाई तुम भी झूठ अपने मालिक के साथ मिले हुए हो कि गरीब को सता रहे? तुम मिले हुए पैसे नहीं है, बोल रहा हूँ पैसे नहीं है, तो तुम बार बार वहाँ ईंट के पास क्यों जा रहे हो? हमारा कोई हक नहीं है वहाँ जाने का। 15 तारीख को शादी है, 5-7 दिन में देगा तो शादी बात देगा, क्या फायदा होगा बताओ? माल बिकेगा किसी को तब ना पैसा देगा। तो बात कराओगे तब ना माल बिक रहा है कि नहीं, वो बताएगा ना जो कर्मचारी होगा यहाँ का, उससे तुमको क्या करना है यार? है कि नहीं ये काम, तू भी अब बात बढ़ा रहा है ना, बात बढ़ा मत, काम कर रहा है तो काम करने गरीब आदमी को देखना भी चाहिए इसी में। जिसके घर पे शादी है, मान लो तुम्हारे घर पे शादी हो, तुमको पैसा नहीं तो तुमको कैसा लगेगा? वो है लेकिन अगले के पास मजबूरी है तभी तो। क्या मजबूरी है? तो कर्मचारी से बात कराओ यार, क्या मजबूरी बताओगे तब तो? पैसा बोल ही रहा है, काम करता है, अगला बोल रहा है 2 टेलर 3 टेलर में क्या पैसा होगा इसके पास? तो बात करो, कितना टेलर बिक रहे हैं बात करते? अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं उधर हम नहीं जाते, इधर आओ, उधर सब तुम्हारा नहीं है, तुम उधर नहीं जाते? नहीं नहीं हमारा ही है, बट हम उधर नहीं जाते। अभी सबको पैसे देने हैं तो सब पैसे लगेंगे मांगने, तो अभी हमारे पास पैसे है ही नहीं कि हम देंगे सबको। बात बना रहे हैं सही बोल रहे हैं? बात बना रहे हैं इतना? नहीं नहीं मिल जाएगा, 2-4 दिन में मिल जाएगा तुम्हें पैसे। क्या धर्मेंद्र, कैसे कैसे तुम्हारे गांव में लोग हैं यार, किसी गरीब सता रहे हो यार? नहीं पैसे जैसे कितना मासूम के, कितना अच्छा से बात करना लग रहा है कि कोई अवगुने नहीं है, हंस हर एक तो हंसना इनका क्या क्वालिटी है भैया में हंसने का यार। अरेंज करना यार, देखना चाहिए अरेंज करके, पैसे कुछ देना चाहिए इसको। कुछ भी तो अरेंज कीजिए, आप बोले थे हाँ हो जाएगा। 4 दिन का टाइम दो, देखते हैं कुछ हो जाएगा तो कर देंगे। आज बहुत दिन से हम आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, 2-4 दिन के टाइम दो, जैसे आता है मेरे पास मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, ठीक है? 2-4 दिन का टाइम मत लो यार, अभी कुछ हो तो कुछ व्यवस्था करके दो इसे। अभी पैसे तो है ही नहीं, 2-4 दिन। ओ भैया आप बोल रहे हैं 2-4 दिन, 2-4 दिन में दोगे तो इसको तो शादी बीत जाएगा, तो कुछ व्यवस्था करो, कुछ दो या कुछ अपना जो सामान है फर्नीचर का वो तक अरेंज करेगा ना अभी तक। ठीक है बाकी, ठीक है नहीं देखो उधर जो आप कर रहे हैं ना सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा में, कैमरा लगा हुआ। जब वो पब्लिकली करेंगे ना तब बर्बाद हो जाओगे। कैमरा क्यों लगाएगा तुम लोग यार? तुम जैसा कर रहे हो ये सब तो पब्लिक को दिखाना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे जैसा मालिक पर हमारी पर्सनल मैटर है। कैमरा क्या पर्सनल मैटर है तुम्हारा? कोई गरीब को सता रहे, पर्सनल मैटर है वो, बहुत पुराने से काम। पैसा दो हम कैमरा हटा लेते, पैसा दो, पैसे मिल जाए अभी दो, कुछ ना कुछ ला के दो, पहले कैमरा हटाओ, तुम पैसा लो तब कैमरा हटा लेंगे ना। कैमरा हटाओ भैया, कैमरा बंद कर दो, मैंने बंद करा दिया, तुम जाओ पैसा ला, जा अकाउंट में दे देंगे। मैं ठीक है, हाँ लेके आओ, लेके आओ।
है, बोल रहे पैसा नहीं, अभी पैसा भी आ गया। कितना देर लगेगा आने में भैया? आ गए ना, सब कर्मचारी काम चल रहा है, बोल रहा था भाई काम ही नहीं चल रहा। ठीक है भाई, अपना अकाउंट नंबर बताओ। बोल दो फोन पे या कुछ नंबर बोलो। नंबर बोल दो। 30 कितना तुम्हारा पैसा है इनके पास? 50,000। 50,000 है। कितना दिन से सैलरी नहीं दियो यार? मैं तुम्हें 30 कर देता हूँ, 20 दो चार दिन में हो जाएगा। ठीक, चलो 30 करो जी। ठीक है, लेकिन कर देना जरूर, वो भी दो चार दिन का, एक शादी है इसके घर पे। ठीक है, ये आप तुम्हारा क्या है, गूगल पे नंबर है? गूगल गूगल नंबर। ठीक है, मैं इस पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी करो, अभी 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 कर रहा हूँ, अभी करो। चलो ठीक है, हो गया। ओके हो गया। ठीक है, जाओ आप, किसी को सताओ मत यार। थैंक्स। ऐसे ऐसे लोग के पास काम मत करो यार। क्या करें, मेरे पास मजदूरी है, घर पे है। ले लो और इसके बाद काम छोड़ दो।